हालेलुया हालेलुया। कदो जिंदा आसमानी बाप आप सबके साथ हो मेरे अजीजों। खुदावंद अपने लोगों से और अपने बच्चों से, बेटों से, बेटियों से बेशुमार प्यार करते हैं और वो रोजाना कलाम के जरिए आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद के नाम में आप सबको सलाम। और आज का कलाम हम आपके साथ जो शेयर करेंगे उसके मुताबिक हम मत्ती के अंजील, लेकिन उससे पहले कि मैं आज का कलाम आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले जैसा कि मैं हमेशा आपके साथ कलाम के बारे में बात करता हूं, वो बहुत जरूरी है कि हमारा भरोसा, हमारा एतमाद खुदावन पर होना चाहिए। जब हम खुदावन पर अपना भरोसा और अपना एतमाद रखते हैं तो वो हमारे साथ रहता है, और खासकर उन लोगों के साथ जो खुदावन पर भरोसा इतना रखते हैं कि वो अपनी तकलीफ में भी ये बात जानते हैं कि हमें फिर भी खुदावन का शुक्र अदा करना है। सो मेरे अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावन आप सबके साथ हो। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 25 बाब उसकी 31 और 32 आयत। हालेलुया। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीजों, आज का कलाम आपके लिए बहुत ज्यादा भेद का कलाम, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि खुदावंद आज ये बंदा गुनहगार था, फिर ये बंदा एकदम से खिदमत में आ गया, कैसे हो? हम ये सोचते हुए अपनी जिंदगी गुजार देते हैं कि यार एकदम से ही तौबा कर ले। कल तक तो ये बंदा सिगरेट पीता था, शराब पीता था, फिर इसने तौबा की और खुदावन की तरफ अपने आप को मायल कर लिया। मेरे अजीजो, जो आसमान पर आपका और मेरा आसमानी बाप बैठा है, वो ये बेहतर जानता है कि वो कैसे, किसको, कब चुनेगा। आप कहते होंगे कि कलाम और भाई बात कुछ और कर रहे हैं, मैं कलाम से ही स्टार्ट कर लेता हूं। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। जब इब्ने आदम आएगा, इंसान को बनाने वाला खुदा आएगा, खुदा की जो तखलीका है, जो खुदा को, जो इंसान को बनाने वाला है, जब वो आसमान से अपने जलाल के साथ आएगा और आकर अपने तख्त पर बैठेगा। आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव की चौकी। उसका तख्त किधर है ये आप जान गए। और जब वो अपने तख्त पर आकर बैठेगा और सब कौमों और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। सब कौमें, मेरे अजीजों, सब कौमों में, सब कौमों का मतलब ये नहीं कि मसीहत में जितने हमारे क्या कहा जाए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और ये कौमें, ये कौमें नहीं मेरे जीजा, बल्कि वो सब कौमें जो ये कहती हैं कि आज मैं उसको मानता हूं, मैं इसका पुजारी हूं, मैं उसको पूजा करता हूं, मैं उसकी प्रस्तिश करता हूं, मैं उसकी नमाज करता हूं, उसकी दुआ करता हूं, उसके हजूर सिजदा करता हूं, ये सब उन कौमों के बारे में। और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक दूसरे से जुदा करेगा।
ये जो कौमें आज हम में बनी हैं, मतलब जो जिन मजाहिब के बारे में हम जानते हैं, जिस जिस भी मजाहिब के बारे में जानते हैं। और इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि दुनिया में एक कौम ऐसी भी है जो डायरेक्ट शैतान को मानती है, और एक कौम ऐसी है जो कहती है ना शैतान है ना खुदा है, बस और बस इंसान था, पानी से निकला, कीड़ा बना, कीड़े से वो बड़ा हुआ, फिर बंदर और फिर इंसान। वो एथिक्स कौम, वो किसी खुदा को नहीं मानती, किसी शैतान को नहीं मानती। लेकिन यहां पे वो कहता है और सब कौमों में से और सब कौमें उसके आगे जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। ये जितनी कौमें हैं ना मेरे अजीजो, इन सबको खुदावन एक दूसरे से जुदा करेगा। हमारी मसीहत में जो लोग कल के कलाम के मुताबिक जो खुद को हैलेलुया हैलेलुया बुलाते हैं और किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोचते, खुद को बीटीएच कहते हैं, खुद को जबरदस्त किस्म का पास्टर कहते हैं और खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, और ये सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा समझदार सियाणा कोई नहीं, खुदावंद ऐसे लोगों के बारे में कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सो मेरे अजीजों, यहां पर सब कौमों के बारे में जिक्र है, ओनली ओनली मसीहत के बारे में जिक्र नहीं। यहां पर सब कौमें लिखी हैं, अगर यहां पर मसीहत लिखी होगी तो मैं आपको जरूर मेंशन करूंगा, लेकिन यहां पर लिखा है सब कौम। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, पहले वो अपने जलाल के साथ आएगा, अपने तख्त पर बैठेगा, जमीन की तरफ ध्यान करेगा और सब कौमें उसके सामने जमा हो जाएंगी, जैसा कि तमाम मुलजम जजदे सामने खलोया में, जैसा कि एक खताकार अपने मुनसिफ के सामने खड़ा होता है, जैसा कि एक मदई अपने जज के सामने खड़ा होता है। मुलजम और मदई दोनों ही तख्त के सामने खड़े हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हैं, वो खड़े कर दिए जाएंगे। फिर क्या करेगा खुदा कि उनमें से वैसे जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। अब मेरे अजीजों, यहां पर दो अलग इकसाम का नाम है, भेड़ और बकरी। भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर जिस चीज को स्पेशल तौर पर जुदा किया गया है वो भेड़ है, बकरियों से जुदा। मतलब कि आज आप एक चीज जान लें कि भेड़ों के बारे में यह बात कही जाती है कि भेड़ हमेशा फ्रेश हरी घास ही खाती है, भेड़ हमेशा कोशिश करती है कि वो साफ सुथरी जगह पर बैठे उठे, भेड़ साफ सुथरा ताजा पानी पीती है, भेड़ खुद को अपने रेवड़ से जुदा नहीं करती, और अच्छी भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलती है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से भेड़ के बारे में जाने तो बहुत सी जगह पर भेड़ का जिक्र है। क्यों? क्योंकि खुदावन खुदा हमें भेड़ से तशबीह देता है कि हम अच्छी और साफ सुथरी गजाएं खाएं, हम नेकी की हदायत पर चलें, हम हमेशा की जिंदगी का पानी पिए, हम हमेशा ऐसे लोगों से जुदा रहें जो बकरियां हैं। अब आप कहते होंगे कैसे लोग बकरियां हैं, पास्टर साहब ने स्ट्रेट बोल दिया, कैसे लोगों से जुदा करें जो बकरियां हैं। जी, जो बकरियां हैं मेरे जीजो, भेड़ कभी भी कचरे पर से मुंह नहीं मारती। मुंह मारने का मतलब
कि कभी वो वहां से उठकर कोई कागज कचरा नहीं खाते। गंदे पानी में बकरी मुंह मारती है, कचरे में बकरी मुंह मारती है। इसके अलावा बकरी जैसी मर्जी घास हो, चाहे हरी हो, चाहे 2 दिन पुरानी हो, वो खा लेती है। और एक और बात बताऊं, बकरी गोश्त भी खा लेती है। कम ही लोग खाते होंगे ये तो सच है, बकरी गोश्त भी खा लेती है, लेकिन भेड़ ऐसा नहीं है। सो मेरे अजीजो, अब बकरी और भेड़ का मैं जरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता जाऊं। अब भेड़ें जो है वो नेकी के रास्ते पे चलती हैं, अपने चरवाहे के पीछे चलती हैं, मगर बकरी कभी चरवाहे के पीछे नहीं चलती। उसके लिए छड़ी का इस्तेमाल होता है। आप और मैं, हमें खुदावन ने भेड़ से तशबीह किया। हम ऐसी कौम नहीं है जो गुनाह की तरफ जाए, जो अपने से बड़े की इज्जत ना करे। भेड़ के लिए उसका चरवाहा उसका भड़ा है और वो उसकी बात मानती है। भड़े की इज्जत करना ऐसे ही है जैसे चरवाहे की इज्जत करना। चोरी डकैती वो 10 हुक्म जिनसे खुदा ने हमें सख्ती से मना किया कि वो सब नहीं करने, तो नहीं करो। बल्कि पालूस रसूल की किताब में आपको बहुत सी चीजों के बारे में समझाया गया कि ऐसा ना करो और ऐसा ना करो। मलाकी की किताब में भी इसी तरह आपको समझाया गया कि ऐसा करो और ऐसा ना करो। और सुलेमान की मिसाल, वो उसमें भी आपको बहुत कुछ समझाया गया कि ऐसा करो और ऐसा ना करो। मेरे अजीजो, हम कैसी भेड़े हैं कि हमारे पास अच्छा चरवाहा है और हम बकरियों की तरह गंद की तरफ जाते हैं, हम बकरियों की तरह चोरी करते हैं, कचरे पर से खाते हैं, अपने बच्चों को भी वही गंद खिलाते हैं। जब एक बकरी गंद खाएगी तो उसका दूध भी तो गंदा ही होगा ना। और एक भेड़ जो साफ सुथरा ताजा पानी पीती है, उसका दूध भी अच्छा होगा, उसके बच्चे भी सेहतमंद होंगे। इसी तरह मेरे अजीजों, हमें हमेशा हमेशा खुद को वैसा रखना है जैसा हमारा खुदावंद हमें चाहता है। और मैं एक आयत और पढ़ना चाहूंगा यहां पर, इसी आयत के आगे है, 23 बाब, मत्ती 23 बाब, उसकी 31 और 32 पढ़ रहे थे, हम 33 भी पढ़ देंगे। और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। मेरे जीजो, पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाय से बरकत हो, खुदा उनका शुक्र। मेरे जीजो, तुम आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो, मैं खुदावंद के दाएं हाथ बैठूंगा। ये सब वो है, दाएं हाथ का मतलब कि खुदा के पाक तरफ वो बैठे थे, वो खुद को खुदावंद की तरफ मायल रखेंगे। सो मेरे अजीजो, खुदावंद के लिए आप भेड़ बनो, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी एक भेड़ के लिए भी परेशान होता है। और अगर आप चाहते हो कि आप बकरियां बनो, तो मेरे अजीजो, फिर एक चरवाहा आपके लिए छड़ी रखेगा और आपको भेड़ों से जुदा कर दे। सो खुदावन आप सबको तौफीक दे कि आप इस बात को जाने कि मेरे अजीजो, खुदावन आपसे कितना प्यार करता है और वो आपको क्या क्या भेद की बातें समझाना चाहता है कि आप खुद को वैसा बनाओ जैसी भेड़े हैं, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी में बेशुमार काम करे, आपको हमेशा अपने दाएं तरफ बिठाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत हो, खुदावंद का शुक्र। हमारे साथ बेटी ग्लोरिया भी है और विक्टोरिया भी है। मैं चाहूंगा कि बेटी विक्टोरिया दुआ करे।
ताकि आप उसकी आवाज़ सुनें और आप सबके लिए दुआ करें कि खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि हम सब खुदावंद की वो भेड़े बने जिनको वो चुनकर अलग अलहदा करता है, और जब हमें अलहदा अलहदा करता है तो वो हमें कितना प्यार करेगा, क्योंकि वो अपनी पसंद की भेड़ को कहीं से भी ढूंढ के जरूर लाता है। सो मेरी जीजो, हम सब बेटी विक्टोरिया के साथ मिलकर दुआ करें। कदूस 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 जिंदा आसमानी, बहरों पर के खालिक और मालिक आसमान, तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है पाखुदा। मैं तेरी चौकी पे सर नबू हूँ और पाखुदा मैं तेरी दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र गुजार हूँ। आज के इस कलाम के लिए पाखुदा मैं तेरी शुक्र गुजार हूँ पाखुदा, आज के इस कलाम पाखुदा पाखुदा जो तूने हमारी जिंदगियों में पाखुदा हमें दिया पाखुदा, आज का कलाम पाखुदा मैं तेरे लिए दिल से शुक्र गुजार हूँ पाखुदा। अरे मेरे मेहरबान पाखुदा, आज का कलाम पाखुदा हमारे दिलों में पाखुदा नक्श हो दे पाखुदा। पाखुदा वो एक गुना नहीं पाखुदा, 30 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए पाखुदा। अरे पाखुदा एक तनावर दरख्त बने मेरे जिंदा आसमानी बाप, देख मेरे जिंदा आसमानी बाप आज का कलाम हमारे खानदानों के लिए हमारी पूरी जिंदगियों के लिए हो पाखुदा। जिन कानों ने सुना पाखुदा उन खानों के लिए हो पाखुदा। अरे जिंदा आसमानी बाप आज का कलाम हमारी जिंदगियों को बदल दे पाखुदा। अरे जिंदा आसमानी बाप तो हम सब की बड़ी हिफाजत और निगहबानी करना। इसी तरह मेरे जिंदा आसमानी बाप मैं दुआ करती हूँ तेरे खाम पाखुदा भाई रफाकत के लिए पाखुदा, पास साथ के लिए पाखुदा। दिल से शुक्र गुजार हूँ पाखुदा जो तूने नहायत ही खूबसूरत तोहफा हमें दिया है पाखुदा। अरे जिंदा आसमानी बाप मैं तेरी दिल से शुक्र गुजार हूँ पाखुदा इसके लिए पाखुदा कि तू इसके जरिए से हम पाखुदा हमसे बातें करता है पाखुदा। आसमानी बाप तू इसको और ज्यादा पाखुदा अपने पाक खून में पाखुदा बढ़ा पाखुदा। अरे जिंदा आसमानी बाप तू इसको और ज्यादा तरक्की दे पाखुदा। आसमानी बाप जब ये बोले पाखुदा तो ये नहीं बल्कि तू होकर उसमें बोलना पाखुदा। अरे जिंदा आसमानी बाप तू अपने बंदे की बड़ी हिफाजत और निगहबानी करना। अरे पाखुदा जिन कानों ने ये कलाम सुना है पाखुदा वो हर इंसान की तो बड़ी हिफाजत और निगहबानी करना। यहाँ जितने भी बैठे हैं लोग तुम सब की बड़ी हिफाजत और निगहबानी करना। अरे जिंदा आसमानी बाप दिल और दिल की गहराइयों से तेरे हजूर आई हूँ पाखुदा, जानती हूँ जो कुछ तुझसे मांगा पाखुदा तू मुझे अता करेगा। मांग तू तेरे अपने बेटे हमारे खुदावंद के सुन से क्या। आमीन आमीन। कदूस कदूस रब्बुल अफवाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था तू जो है और तू जो रहेगा, आए मेरे जिंदा आसमानी बाप तेरे हजूर झुकते हैं, तेरी हजूरी को यहाँ चाहते हैं। आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप तूने हमेशा अपने बंदों से प्यार किया, तूने हमेशा हमारी दुआओं को सुना और कबूल किया। आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप अपना फजल वाला हाथ है, तमाम परेशानियों को तमाम तकलीफों को तेरे हाथों में देता। आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप तू हमारी दुआओं को सुनता है कबूल करता है तेरा शुक्र अदा कर। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप हम तेरी वो भेड़े बने जो तेरे दाएं जाने पर। आए मेरे कदूस आसमानी बाप जब तू छांटी करे तो हम तेरे खास भेड़ों में से हों, ना कि उन नापाक बकरियों की तरह जो कचरा खाती है, बल्कि उन भेड़ों की तरह हो जो सरसब्ज घास खाती है और तेरी बरकत की हमेशा हमेशा साए में रहती। आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप जो जो रुझाने आज के कलाम को सुनती हैं इन सब के साथ हो, इन सब को बरकत है। कदूस आसमानी बाप अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, बरकत दे और बरकत दे और बरकत पर बरकत दे। जिंदा आसमानी बाप ब्रदर बरकत डैनियल के लिए दुआ करता हूँ, डैनियल बरकत के लिए सॉरी। खुदा उनके कारोबार को बहाल कर, वेल्डिंग का काम करते हैं। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूँ भाई कुरम के लिए, वो दोबारा से कहीं अच्छी जॉब पर स्टैंड बाय। आए मेरे कदूस जिंदा आसमानी बाप बेटी विक्टोरिया को उसके खामन को तेरे हाथों में देता हूँ, उनके आने वाले घर में नई जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। कदूस जिंदा आसमानी बाप बरकत दे फजल कर। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप जो जो रुझान आज के कलाम को सुनती है उनके घरानों की बीमारी तकलीफ लड़ाई झगड़े तमाम प्रॉब्लम्स को तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से दूर कर। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ ब्रदर
राजा के लिए जिसकी मिसिस का कोई प्रॉब्लम है और वो उनसे दूर है, आए मेरे कदूर जिंदा आसमानी बाप, उसकी मिसिस को वापस उसके खानदान में ला। ब्रदर खान अर्शद के लिए, उनकी भी मिसिस घर से अपने बच्चों से दूर है, जिंदा आसमानी बाप उनके खानदानों को जोड़ दे। और जैसा कि जिंदा आसमानी बाप जिनको तूने जोड़ा है उन्हें कोई जुदा ना करे, ये चीज हर कोई जान जाए। उनके घरों में नाथ फाकियां डालने वालों के दिलों दिमाग को बंद कर, और वो इस बीच चीज को जान सके कि इनके खानदानों को कोई जुदा ना करे, क्योंकि खुदा ये पसंद नहीं करता। आए मेरे कदू जिंदा आसमानी बाप सबको बरकत दे, आमीन। आए जिंदा आसमानी बाप इस पूरी दुआ को तेरे बेटे के नाम से मांगते, और जो भी दुआ तेरे बेटे के नाम से मांगी जाए सुनी और कबूल की जाती है, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ, आपके साथ। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मेरे जीजो, असल में जिस बेटी ने आज दुआ की थी हमारे चर्च की मेंबर है, खुदावंद इनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और मैं चाहूंगा आप सब इसको दुआ में शामिल रखें। खुदावंद ने इनको एक अच्छी खुशखबरी सुनाई है, औलाद जैसी नेमत। खुदावंद इनकी औलाद को सेहतमंद और तंदुरुस्त इनकी जिंदगी में दे, खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ। Thank you.